हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष सिंह। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सीएचएस हेल्प सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउसिंग सोसाइटीज में जो कॉमन एरिया है या पार्किंग एरिया है या जो टेरेस एरिया है, वो सोसाइटीज के जो मेंबर हैं वो अपने फंक्शन के लिए, जैसे शादी, बर्थडे या कुछ अलग तरह के जो फंक्शन होते हैं, उसके लिए यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और दूसरी बात कि उसके लिए सोसाइटी कितना चार्ज कर सकता है, और दूसरे पॉइंट से कि सोसाइटी टेरेस को लॉक कर सकता है कि लॉक लीगल है या इलीगल। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि बायलॉ नंबर 170 में उसके बारे में क्या बताया। तो फ्रेंड्स, एज पर द बायलॉ नंबर 170, नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोविजन अंडर द बायलॉ नंबर 168, कमिटी में अलाउ टेम्पररी यूज ऑफ द टेरेस और अवेलेबल ओपन स्पेस ऑफ द सोसाइटीज बिल्डिंग बाई एनी मेंबर ऑन हिज रिटेन एप्लीकेशन फॉर एनी फंक्शन सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शन एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच चार्जेज टू सोसाइटी एज मीटिंग ऑफ द जनरल बॉडी ऑफ सोसाइटी में डिसाइड। द कमिटी में विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द लोकल अथॉरिटी इफ नीडेड allow the exhibition advertisement board on any part of building including terrace on term and condition as approved by the general body meeting. Any member want to install the solar energy water heating system or solar energy electrical system, then space shall be made available to such member on terrace as per availability. अब जो ये सोलर है उसके बारे में बताइए क्या क्या चीजें को मैनेजिंग कमेटी को अलाउ करना चाहिए। तो सोलार के लिए सोलार कलेक्टर स्टैंड, हॉट वाटर टैंक, कोल्ड वाटर टैंक, टैंक फॉर द स्टैंड फॉर द टैंक, हॉट वाटर पाइपलाइन एक्सेट्रा, सोलार पैनल, बैटरी, इन्वर्टर, चार्जिंग कंट्रोलर, केबलिंग एक्सेट्रा फॉर सोलार एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, फोटोवोल्टेइक डिवाइस, रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस। If any application requesting to provide space for solar renewable energy, energy efficiency device is received, then it shall be binding on the society to allocate space thereof as per the availability of space in the society's premises. So friends, आपको बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें मेजरली तीन चीजों को कवर किया गया है। एक तो जो सोसाइटी के मेंबर के फंक्शन होते हैं, मैरिज या तो फिर बर्थडे या अदर कुछ फंक्शन हो सकते हैं फैमिली के, उसके लिए अगर कभी रिक्वेस्ट जाता है मैनेजिंग कमेटी को तो वो अप्रूव करके स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए या तो कॉमन एरिया में या तो टेरेस पे, और उसके जो चार्ज हैं वो जनरल बॉडी मीटिंग में डिसाइड होता है, एंड यूजेज जो कॉमन स्पेस यूज करने की पॉलिसी है, टर्म एंड कंडीशन है, वो भी मैनेजिंग कमेटी को बना करके जनरल बॉडी में अप्रूव करना चाहिए। जो टर्म एंड कंडीशन होते हैं, कुछ असेट क्लॉज हो गया, किसी दूसरे तरह के कुछ नुकसान हो गए, तो उसके लिए कुछ रिफंडेबल अमाउंट भी सोसाइटी पहले से जमा कर सकती है जो कि इवेंट होने के बाद रिटर्न कर सकती है। तो ये जो पॉलिसी है वो मैनेजिंग कमेटी बना करके जनरल बॉडी में अप्रूव कर सकती है, बट स्पेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। दूसरी जो चीज कवर की गई है एडवर्टाइजमेंट के बारे में, बहुत सारी बिल्डिंग में आपने देखे होंगे जो कंपनीज के बड़े बड़े बैनर एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं कॉमन बाउंड्री वॉल पे या तो फिर टेरेस पे, वो भी जनरल बॉडी के अप्रूवल में करके किया जा सकता है, उससे सोसाइटी को कुछ एक्स्ट्रा इनकम होता है। एंड थर्ड पॉइंट जो कवर किया गया है इसमें कॉमन एरिया के अंदर में, आपका सोलार पैनल के बारे में, सोलार पैनल को गवर्नमेंट बहुत ही अभी इनिशिएटिव ले रहा है, तो इसके लिए भी बायलॉ में 170 में बताया गया है कि अगर इसके लिए रिक्वेस्ट आता है तो मैनेजिंग कमेटी को स्पेस अवेलेबल कराना चाहिए। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस के बारे में पूरा बताया गया है यहाँ पे, इस तरह के जो सोलार पैनल है या तो हॉट वाटर टैंक के पैनल है, ये हमें सोसाइटी के कोई भी मेंबर रिक्वेस्ट करेगा तो उनको मैनेजिंग कमेटी को जगह देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉमन एरिया का जो यूज है वो मेंबर कर सकता है, एंड उस जो टेरेस लॉक की बात है वो अभी हम एफएक्यू में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक क्यूरी आई हुई थी, तो चलिए हमारे जो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में क्यूरी आई थी वो डिस्कस कर लेते हैं कि आई रिक्वेस्टेड टू माय सोसाइटी टू गिव द टेरेस फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन बट कमिटी डिनाइड, व्हाट शुड आई डू। तो फ्रेंड्स, जब भी आप सोसाइटी कमिटी से कुछ बात करते हैं तो रिटर्न में करिए, बिकॉज आप ऑफिस से कम्युनिकेट कर रहे हैं
ऑफिस जैसे आप किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट या एनी अदर डिपार्टमेंट, तो आपको एक रिटेन एप्लीकेशन देना पड़ता है ना। सेम वैसे ही आप हाउसिंग सोसाइटी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो रिटेन में कम्युनिकेट करिए, ताकि कमिटी भी रिटेन में आपको रिप्लाई करे रिजेक्शन क्यों किया, ताकि उसके बेस पे आप आगे कंप्लेंट कर सकते। तो आप चेक करिए आपकी जनरल बॉडी में क्या अप्रूवल है। अगर अप्रूवल दिया गया है ऐसा कि ये सब अलाउड नहीं है, शादी फंक्शन के लिए कमिटी नहीं दे सकती जगह, तो वो इलीगल आई थिंक हर एक सोसाइटी को देना चाहिए। बाय लॉ नंबर 170 में क्लियर बताया गया है फॉर यूजेज ऑफ फंक्शन, ओके, एंड जो चार्ज होगा कमिटी वो चार्ज ले सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, कैन आई यूज सोसाइटी कॉमन एरिया पार्किंग एरिया फॉर माई सन मैरिज। यस डेफिनेटली, बहुत सारे सोसाइटीज में ये किया जाता है और अलाउड हर सोसाइटी करती है। ये हाउसिंग सोसाइटी को का जो रजिस्ट्रेशन है वो अंडर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मीन्स ईच कोऑपरेट ईच अदर के कोऑपरेशन से ही पूरी सोसाइटी चलती है। तो किसी का भी फंक्शन हो, शादी हो, सबको अलाउ करना चाहिए। जनरल बॉडी अलाउ करती है, जो चार्ज होता है वो चार्ज लेती है। एंड मैनेजिंग कमेटी का काम होता है कि वो पार्किंग का स्पेस अगर अवेलेबल नहीं है तो उस दिन के लिए खाली करा करके अवेलेबल करा दे मेंबर को। हैज द सोसाइटी राइट टू लॉक द टेरेस फॉर रेजिडेंट। तो फ्रेंड्स, एज पर द माई नॉलेज इट्स नॉट अलाउड टू लॉक द टेरेस। आप रूल रेगुलेशन बना दीजिए कि कोई वायलेट करता है तो जो फाइन का प्रोविजन है वो फाइन लगा दीजिए, ओके, अप टू 5,000 तक का फाइन है, वायलेशन ऑफ बाई लॉ का वो लगा सकते हैं। बहुत सारी सोसाइटीज में लॉक इसलिए किया जाता है फॉर सेफ्टी पर्पज की, बच्चे हैं या जैसे कुछ सुसाइड के केस हो जाते हैं। तो निगेटिविटी दोनों तरफ है। अगर मान लीजिए आग लग गई तो क्या करेंगे। बहुत सारी सोसाइटीज में जो छोटी बिल्डिंग है वहां पे जो कि रिफ्यूजी एरिया बोला जाता है वो नहीं दिया जाता है, तो इस केस में मेंबर क्या करेंगे। मेंबर को तो ओपन एरिया रहेगा, या तो नीचे जाएंगे या तो टेरेस पे जाएंगे, जो नियर बाई रहेगा उधर जाएंगे। तो इसलिए उसको आई थिंक यहाँ पे बताया भी गया है, MRTP एक्ट 55 में बताया गया है, एंड फायर डिपार्टमेंट का भी नोटिफिकेशन है कि जो टेरेस है वो ओपन होना चाहिए। अब मिसयूज होता है तो मिसयूज के लिए आप पॉलिसी बना दीजिए, जनरल बॉडी में अप्रूव करिए कि जो भी उस मतलब अननेसेसरी वहां पे घूमता हुआ पाया जाता है या बिना परमिशन पे जाता है तो फाइन लगाइए उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कॉमन एरिया का यूजेज। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जब भी हमें टाइम मिलेगा तो रिप्लाई करूंगा। कुछ न्यू टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, जब भी हमें टाइम मिलेगा तो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और फ्रेंड्स आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो को लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, ताकि आपकी सोसाइटी, आपके फ्रेंड्स के सोसाइटी में जो बायलॉ रिलेटेड अवेयरनेस है, एजुकेशन है, वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। और जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी आपकी सोसाइटी उतनी ही अच्छी स्मूथली एंड हैप्पीली रन होगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।